आपने अक्सर अपने माता पिता को एसिडिटी की शिकायत के बारे में बताते सुना होगा, उसके लिए वो एंटीसिड की गोली भी लेते हैं। आज हम ये देखेंगे ये एंटीसिड की गोलियां किस तरह से काम करती हैं, इस मज़ेदार प्रयोग को आप अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ केमिकल्स लगेंगे, पर सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा वो एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक रसायन है, एक केमिकल है जो आपको बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक, अम्लीय है या बेसिक या क्षारीय है। जब आप इस इंडिकेटर को किसी भी तरल में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। अगर रंग लाल होता है तो हमको लगता है कि वो एसिडिक है, और अगर रंग नीला हो जाता है इसके मतलब वो क्षारीय है या बेसिक है। तो और अगर उसका रंग नीला हरा रहता है इसके मतलब वो न्यूट्रल है। सबसे पहले हम पानी के एक ग्लास पे परीक्षण करेंगे, उसमें कुछ बूंदे यूनिवर्सल इंडिकेटर के डालेंगे और उसको हिलाने के बाद में हम देखेंगे कि पानी का रंग हरा हो जाता है। इसके मतलब पानी ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। उसके बाद में हम सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक के अम्ल की, को एक सिरिंज से निकालेंगे। ये बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, नुकसान हो सकता है, तो बस हम सुई से, इंजेक्शन से चंद बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की पानी में डालेंगे और देखिए उसका रंग एकदम लाल हो जाता है, जो अम्ल या एसिड को दर्शाता है। उसके बाद में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी लाई को, जो क्षारीय है, बिल्कुल बेसिक है, उसको इस अम्लीय घोल के अंदर डालते हैं और जब हिलाते हैं तो पहले देखिए उसका रंग पीला हो जाता है, यानी वो एसिडिक से थोड़ा बेसिक की ओर जा रहा है। फिर उसका रंग अंत में नीला हो जाता है, इसके मतलब अब ये घोल जो है ये क्षारीय घोल है यानी बेसिक है। अब इसके अंदर जो एक बहुत ही आम एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी कुछ बूंदें हम इसमें डालते हैं और उसको हिलाते हैं, क्योंकि पहले से ही घोल हमारा बेसिक था, अब ये बेसिक ही बना रहेगा, इसका रंग नहीं बदला, इसके मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेसिक ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इस बेसिक घोल के अंदर चंद बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे और आप इस रंग के चार्ट को देखिए किस तरह से पहले इसका रंग लाल हुआ, उसके बाद में हरा हुआ, यानी ये न्यूट्रल की हो रहा है, अभी भी हरा और नीला है। जैसे हम और थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे इसका रंग हरा हो जाएगा, और थोड़ा सा और अधिक डालने पर इसका रंग लाल हो जाएगा। ये जो रंगों का बदलाव है ऊपर से नीचे तक का, इससे हम बहुत ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, और ये बहुत ही एक मज़ेदार खेल है एसिड और बेस के बारे में सीखने के लिए।